नमस्ते एंड ओम शांति आप सब श्रोताओं को। आपको स्वागत है फिर आपके ही चैनल पर, सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। आत्मा ही सत्य है और आत्मा को पहचाने। तो परमात्मा आज के वरदान में क्या कहते हैं उसमें जाने से पहले, जो भी नए श्रोताएं हैं उनके लिए एक और लिंक है जो कि आपको लेके जाएगा दूसरी वीडियोज पर, जो कि आपको योगासन, फ्लेक्सीबिलिटी, डाइट और खान पान कैसे शुद्ध करें अपना, सब कुछ उसके बारे में बताते हैं और आपका वेट भी कैसे रिड्यूस हो। तो देखिए आज के वरदान में परमपिता परमात्मा 199 दिन के वरदान में कहते क्या हैं। परमात्मा चाहते हैं कि हम मेहमान समझे अपने आप को इस धरती पर। सारी मुश्किलें खत्म हो जाती है, सारे कन्फ्लिक्ट, सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं इस कारण से। तो मेहमान समझना और अपने आप को परमात्मा की मोहब्बत में, परमात्मा की मोहब्बत में अपने आप को डालना मेहमान समझने से ही हो सकता है। देखें परमात्मा वरदान में कहते हैं, बाबा कहते हैं मेहमानपन की वृत्ति, उसका एटीट्यूड ही वैसा हो जाए कि मैं अपने आप को मेहमान समझू अपने इस दुनिया में, द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, प्रवृत्ति मतलब फैमिली को, आप जहां रहते हैं फैमिली वो भी फैमिली होगी, अगर आप एनजीओ में रहते हैं, कहाँ काम करते हैं, आप सिंगल हैं लेकिन जहां पे भी आप काम करते हैं वो आपकी फैमिली होगी, सारी दुनिया ही आपकी फैमिली है। तो उस तरीके से समझिएगा प्रवृत्ति उसको कहा जाता है, को श्रेष्ठ बनाना है ना, और स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। उपराम मीन्स हम करते हैं उपवास, उपवास का मतलब ये नहीं कि आप खाना खाना छोड़ दें, उपवास का मतलब कि आप जो परमपिता परमात्मा ऊपर जो निवास करते हैं उनकी याद में रहना उपवास हो गया। उपराम, रामा कहें, जिहोवा कहें, अल्लाह कहें, एक ही चीज़ है, रामचंद्र नहीं, राम मतलब कि परमपिता परमात्मा। तो परमात्मा को आप राम कहें तो उपराम मतलब कि ऊपर जो रहते हैं राम या रामा या अल्लाह जिहोवा, उनकी याद में रहना उस कहते हैं उपराम। तो वो तब हो पाएगा जब हम मैं मेरा 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 छोड़ देंगे और हम सब कुछ अपने आप को एक गेस्ट समझ के चलेंगे। देखें विस्तार में कहते हैं क्या परमात्मा, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी, देह को भी क्या है मकान समझना। आप जब एक गेस्ट हाउस में जाते हैं तो आप उस गेस्ट हाउस के उस गेस्ट रूम को अपना मैं नहीं कहते, मेरा मेरा नहीं कहते, और मैंने किया मैंने ये किया ये नहीं कहते आप वहां पर, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि वो सारी चीजें क्या है, वो सब कुछ क्या है, आप उसके मेहमान, आपको सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हो। इस तरीके से शरीर को भी क्या समझना है, मैं इस शरीर में आत्मा, मैं प्रकाश बिंदु आत्मा, इस शरीर में मेहमान हूं, है तो मेरा घर परम धाम जहां से मैं आई थी, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे, आप समझ रहे होंगे। तो परमात्मा पिता भी कहते हैं मेरे पास तो शरीर नहीं है, मैं तो एक बिंदु प्रकाश हूं केवल, मेरा शरीर नहीं है अपना, लेकिन तुम जब अपने शरीर में आते हो तभी तो तुम मुक्ति मांगते हो। तो मुक्ति किस चीज से चाहिए, मुक्ति चाहिए शरीर से, लेकिन शरीर को तो अपना मत समझो ना। अगर ये मेरा शरीर है, मैं खूबसूरत हूं, मैं हैंडसम हूं, मैं ब्यूटीफुल हूँ, ये समझ लिया अगर आपने, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, ये सारी चीज़ें सोच ली, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उनके साथ में अटैचमेंट रख लिया आपने, और ये सारी चीज़ों के साथ में अगर आपने अटैचमेंट रखी, मैं इस देश का, मैं उस देश का, हम इस देशवासी ऐसे होते हैं, वो देशवासी ऐसे होते हैं, ये सारी अटैचमेंट्स हैं। परमात्मा कहते हैं ये छोटी सोच को छोड़ो ताकि आप इस शरीर और शरीर के साथ में जो आपने इतने सारे अपने संबंध बना के रखे हैं चीज़ों से, गोरा मोटा पतला का ये सभी संबंध हो गए ना एक प्रकार के, इन संबंधों को भूल आत्मा से संबंध जोड़ो और परमात्मा से संबंध जोड़ो कि मैं एक आत्मा हूं। तो जाकर के आप क्या समझोगे अपने आप को, मैं आत्मा इस शरीर में, आप आत्मा आपके शरीर में, एक मेहमान हो। तो ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बोलना आसान है लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। तो जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही, मोह नहीं होता, हो जाते हैं। आजकल क्या होता है, छोटा सा स्क्रैच आ गया, पिंपल आ गए तो हाय हाय करना, हाय तौबा करने लग जाते हैं। परमात्मा कहते हैं वो भी अटैचमेंट है, बहुत दुख मिलता है उससे। तो मेरा शरीर है, लोग जो कहें कहें, मैं आत्मा कैसी हूँ, शरीर को देख करके कोई आज आगे नहीं बढ़ा है। अगर आप देखेंगे APJ अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, बहुत खूबसूरत थे क्या, बहुत हैंडसम थे क्या, नहीं। अगर आप देखें मदर टेरेसा की, बहुत ही मिस वर्ल्ड थी क्या वो, नहीं। लेकिन वो आत्मा अंदर से बहुत सुंदर थी, शरीर को भूल गए थे वो अपने, तभी वो इतने ऊंचे कार्य कर पाए। अगर शरीर की खूबसूरती में हर दिन मेकअप करते रहते, अगर अपने आपको हैंडसम बनाते रहते हैं, तो उनके पास में वो बाकी चीज़ों के लिए काम नहीं होता। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम आत्मा समझें, तब जाकर के हम वो ऊंचे काम कर पाएंगे, शरीर को भूल पाएंगे हम। तो मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, ये शरीर भी मेरा नहीं, मेरे को यूज करना है शरीर को अच्छे कर्म करने के लिए, पहली बात। ये हो गया पॉजिटिव संकल्प। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे, हर चीज लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, जो चीजें पड़ी हुई सब कुछ, मोबाइल फोन भी काम आ रहा है, लेकिन मेरा 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 हाय तो नहीं। परमात्मा कहते हैं सब चीजें लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा, मेरापन।
अपनापन होता तो क्या होता है, मेरा आइडिया, मैंने उसको मदद करी, मैंने तो उसको पैसे दिए थे, मैंने उसको ये चीज़ दी थी यूज़ करने के लिए, मेरी वजह से वो आगे बढ़ा अपने जीवन में, मैं नहीं होती, मैं नहीं होता तो आगे कैसे बढ़ते, वो मेरा आइडिया था उनको आगे बढ़ाने का। परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ छोड़ो, ये मैंपन में ही कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अहंकार आता है, और फिर संबंध जुड़ जो होते हैं जुड़ने वाले वो टूटते हैं, जोड़ने की जगह वो टूटते हैं। तो अपना मैंपन जब छोड़ दोगे तो संबंध जुड़ने शुरू हो जाएंगे। अहंकार, अहंकारी व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं आता। तो परमात्मा कहते हैं कि वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। साधन अपनाए सब कुछ, लेकिन मैंपन में नहीं आए, मेरेपन में नहीं आए, तो क्या हुआ, बुद्धि खाली हुई ना। खाली होगी बुद्धि तभी तो परमात्मा बैठ पाएगा उसमें। अगर मैं, मेरा, मेरा, तेरा उसमें चले गए तो फिर क्या होगा, बुद्धि खाली नहीं होगी, परमात्मा की याद नहीं आएगी, तो फिर और विकार आएंगे और गलत संकल्प आएंगे और गलत मुख से निकलेगा, जिससे और लोग हर्ट होते हैं मैं और मेरेपन से। फिर बाबा कहते हैं प्यारे रहते हैं परमात्मा के वो, देह देह के संबंध, देह देह को भी अपना नहीं मानना, देह के जो भी संबंध है, मामा काका चाचा ये सब जो भी हैं, भतीजा भतीजा, ये माता पिता पत्नी पत्नी और हस्बैंड, ये सब कुछ क्या होगा, ये सिर्फ देह के संबंध हो गए ना। आत्मा के हिसाब से तो सारे के सारे मेरी फैमिली है, सारी दुनिया मेरी फैमिली है, लेकिन देह के हिसाब से वो हस्बैंड होगी, वो वाइफ होगी, सब कुछ हो गया, वो भी टेम्परेरी है। जैसे गेस्ट हाउस में टेम्परेरी होते हैं ना लोग वहाँ पे काम करने वाले, वैसे वो भी टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ। तो देह देह के संबंध और वैभवों, वैभव मतलब सारी चीजें होगी जो दिख रही है आंखों से सहज उपराम हो जाते हैं। उपराम हो गए तो ऊपर परमात्मा की याद में रह पाएंगे, मेरे तेरे में रहेंगे तो फंस जाएंगे। तो जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। किसी को कुछ कर दिया, हमारे संबंध कुछ कर दिया, मेरी कुछ लूट लिया, मेरे से कुछ धन ले लिया, संबंध ये चीज ले ली, तो हम उसमें रिवेंज भाव में आ जाते हैं, बदले के भाव में आ जाते हैं, मैं उससे बदला लेके रहूंगी, उसने मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरी बेटी को ऐसे कैसे बोल दिया उसने, मेरे धन को ऐसे कैसे कर दिया उसने, मेरे ये चीज कैसे ले ली उसने, ये तो मेरी थी, मैंने इतनी मेहनत करी थी। परमात्मा कहते हैं ये सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, जिसने ले लिया वो भी यहीं छोड़ के जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं ये चीज सोचो और उपराम रहो, परमात्मा की याद में रहो, कुछ भी मेरा नहीं है, मेरा कोई भी कुछ ले नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि मेरा है ही नहीं कुछ। कोई अगर आपका गेस्ट हाउस में आकर के कोई चीज चोरी कर लेते हैं, हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन लास्ट में किसी ने चोरी करी तो फॉल्ट किसकी हुई, वो गेस्ट हाउस वाले की हुई। अगर आपने दरवाजा खुला छोड़ी तो ऑब्वियसली आपकी फॉल्ट है, लेकिन अगर आप दरवाजा बंद करके गए और किसी ने, आपने केयर किया लेकिन किसी ने जबरदस्ती आके ले लिया, तो फिर वो आपकी फॉल्ट नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं उसी तरीके से ये सारी चीजें जो भी हैं ये आपकी नहीं है, आप बस एक ट्रस्टी हो, यूज कर रहे हो, ये समझ कर चलो, तो आपको दुख की फीलिंग नहीं आएगी। यस आप केयर कर रहे हो, केयर टेकर हो, एक एक लैंड का भी एक केयर टेकर होता है, आप इस शरीर रूपी लैंड के केयर टेकर हो, घर रूपी लैंड के केयर टेकर हो, धन संपत्ति जो परमात्मा दी उसके केयर टेकर हो, बस। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम इस तरीके से रहेंगे, तो फिर मैं तू तू और ये तू तू मैं भी नहीं होगी, और मेरा मेरा तेरा तेरा नहीं होगा, जिससे कि हमारी बुद्धि खाली और परमात्मा की याद में हम रह पाएंगे। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान मेडिटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, नहीं तो कई लोगों की मेडिटेशन नहीं पाती क्योंकि उनके सारे थॉट्स इन चीज़ों में फंसे रहते हैं दिन भर। तो आपका ये दिन शुभ हो और आप सुखी रहें, आप तंदुरुस्त रहें। ओम शांति।